स्टूडेंट्स असल आई होप यू आर रेडी नाउ फॉर हेल्थ साइकोलॉजी। आज का जो लेक्चर है इसमें हम बेसिकली दो बॉडी सिस्टम्स की बात करेंगे आज सबसे पहले तो मैं बात करनी चाहूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम की और उसके बाद मैं बात करनी चाहूंगा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की तो आप सोच रहे होंगे कि यह हेल्थ साइकोलॉजी का कोर्स है और इसमें यू you नो know, पिछले कुछ लेक्चर्स भी और ये भी लेक्चर जो है और बल्कि अगला लेक्चर भी जो आएगा इसमें बॉडी सिस्टम्स पे इतना एम्फोसिस क्यों है तो आई थिंक एक चीज में आप ही रखिए कि हेल्थ साइकोलॉजी इज यू नो अ वेरी यूनिक कोर्स कह लीजिए कि इस ये वाद कोर्स है नफ्सियात में जिसपे इतना ज्यादा एम्फोसिस जो है बॉडी सिस्टम्स पे भी है क्योंकि बॉडी सिस्टम्स का आपको याद है मैंने एक जंक्चर पर आपको ये कहा भी था कि देरी क्लोज कनेक्शन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी तो ये जो माइंड बॉडी का कनेक्शन है इसको यू you नो know, इसको साथ साथ लेके चलना जो है ये हेल्थ साइकोलॉजी का फोकस होता है तो दैट्स वन रीजन वाई यू नो ये हमारा जो पर्टिकुलर कोर्स है इसमें इतना एम्फोसिस है बॉडी सिस्टम पे भी तो so, अब बात हम करते हैं रेस्परेटरी सिस्टम की आपको ये तो पता ही है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेसिकली क्या है आई मीन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम हमारी जो बॉडी है उसको ऑक्सीजन मिलती है अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन आई नो आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव वी नीड ऑक्सीजन टू लिव वी नीड ऑक्सीजन यू नो टू स्टडी दिस कोर्स आई नीडिड दिन टू डिलीवर दिस लेक्चर यू नीड दू हेयर मी एंड लिसन टू वोइंग टू टेक प्लेस टूडे इसके अलावा आई थिंक एक चीजें आप ये भी रखें कि हमारे बॉडी में बेशुमार ऐसे केमिकल मेटेबलिज्म हैं यू नो जिनको ऑक्सीजन की हर वक्त जरूरत रहती है और ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन आइटम्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को फॉर्म करती है और उस प्रोसेस को चलाती है ब्रीदिंग का जो है सिर्फ यही फंक्शन नहीं है कि हम ऑक्सीजन ब्रीद करते हैं और हम सांस लेते हैं और लाइफ बिकॉज ऑफ देट बल्कि इसका एक और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो वो ये है कि हमारे अपने अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको निकालना जो है वो भी एक बहुत बड़ा फंक्शन है बॉडी का और ब्रीदिंग जो है वह उस ख़ास एरिया में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में बहुत मददगार साबित होती है तो देव फोर यू नो ब्रीदिंग जो है इट्स यू नो ये कई लेवल्स पे इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो आपको नजर आएगी इस लेक्चर के दौरान तो अब हम जरा थोड़ा सा रेस्परेटरी जो स्ट्रक्चर है उसकी भी बात करते हैं रेस्परेटरी स्ट्रक्चर के हवाले से सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा रेस्परेटरी ट्रैक्ट का रेस्परेटरी ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आप विजुलाइज करें कि

और ब्रिकल ट्यूब में से गुजरती हुई चक्कर लगाते हुए वो लंग्स में जा पहुंचती है तो ये ये जो डायग्राम है ये इस वक्त आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी और इसमें आप देख सकते हैं कि नाक से सांस लें या मुंह से सांस लें इट वेरीज फ्राम पर्सन टू पर्सन तो उसके बाद वो हवा जो है वो एयर जो है वो ट्रेवल कर कर करके लैरिंग्स में आई लैरिंग से ट्रैकिया में आई और ट्रैकिया से लंग्स में चली गई तो ये जो ब्रॉक्यूल ट्यूब्स हैं ये ये छोटी छोटी बेशुमार स्मॉलर ट्यूब्स में आगे थोड़ा ब्रांच आउट हो जाती हैं इनकी जो ब्रांचिंग आउट होती है वो हजारों ट्यूब्स की शक्ल में वो ब्रांचिंग आउट होती है और उनको हम ब्रॉक्यूल्स कहते हैं ये ब्रोंकिूल्स जो हैं ये लंग्स के अंदर इनकी ब्रांचिंग आउट होती है और दीज ब्रांचेस फाइनली जो है दे एंड इन टाइनी एयर सैक्स जिनको हम एलविओली कहते हैं और ये जो एलवियोलीस होती हैं इनके ये आप इस तरह इनको विजुलाइज करें कि इनके जो एंड्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे से जैसे बबल्स नहीं बना होता तो वो जो बबल जिस छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो एलविज़ में एंडस पे होते हैं और उसमें से फिर मुख्तलिफ़ किस्म की चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो चाहे वो और गैसेज हों वो उसमें से गुजरती हैं और फिर आगे यू नो सिस्टम में जाती हैं अब सवाल ये उठता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वट इज़ इट दैट मेक्स दर गो इन एंड आउट जब हम इनेल करते हैं तो हमारी जो रिब के मसल्स हैं वो हमारी रिब्स को ऊपर की तरफ यू you नो know, आप सांस लेके देखें अभी देखें तो आप देखेंगे कि आपके जो रिब के मसल्स हैं वो वो ऊपर की तरफ उठते हैं और डायाफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाती है तो जब उसके नीचे की तरफ जाती है बिलो द लंग्स तो इससे एक कॉन् एक कॉन्ट्रैक्शन सी पैदा होती है पुलिंग डाउनवर्ड्स लंग्स की तरफ तो इससे जो है लंग का जो चैम्बर है वो जब हम सांस लेते हैं तो वो वो फैलता है वो एक किस्म का जैसा उबारा नहीं होता गुब्बारे में जब हम हवा भरते हैं तो वो वो ब्लो करता है इसी तरह लंग्स भी जो है जब हम हवा अंदर इन, इनहेल करते हैं तो वो लंग्स फैलते हैं और इसी तरह जब हम एक्सहेल करते हैं इन अदर वर्ड जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो वो जो अंदर लंग्स हैं वो भी श्रिंक होते हैं और एक ऐसे गुब्बारे की तरह जिसमें से हवा जब निकाली जाती है तो वो श्रिंक होता है तो अब सवाल उठता है कि जो ये रेस्पिरेटरी फंक्शन है ये फंक्शन क्या है और ये किस तरह चलता है और इसके डिसऑर्डर्स क्या है सब तो जरा सवाल जो उठता है वो ये है कि ये जो मसल्स है हमारे यू नो हाउ डू दे नो कि वेन टू इनहेल एंड टू एक्सल आई मीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट सोचने की बात है कि ये जो हमारी इनहेलिंग और एक्सहेलिंग है मसल्स को पता कैसे चलता है कि ये करें इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर यू नो दे कंटेन सेंसर्स ये बड़े कमाल का मैकेनिज्म है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो अंदर की जो ब्लड की जो गैसेस हैं ये जो सेंसर्स हैं इनका काम है उनको मॉनिटर करना तो और इनकी जो मॉनिटरिंग है ये जो इंफॉर्मेशन जो है ये जाती है सेंसर्स से ही जाती है ब्रेन में और ब्रेन का आपको याद है कि जब हम ब्रेन की बात कर रहे थे तो मेडुला की बात की थी तो ये मेडुला में ये इन्फॉर्मेशन सारी जाती है और फिर मेडुला जो है वो आगे इंस्ट्रक्शंस भेजता है एक किस्म की यू नो टू द मसल्स कि अच्छा अब तुम यू नो इनहेल करो अब तुम एक्सेल करो अब इस, इस, इसीलिए जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी अगर कम्पोजिशन या क्वान्टिटी यू नो ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो ब्रीदिंग जो है उसका रेट भी बढ़ जाता है आपने ये देखा होगा कि फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी ऐसे बंद कमरे में दाखिल जो कई दिनों से जो खोला नहीं गया था तो वहाँ पे इन्वेरेबली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे आपकी जो ब्रीदिंग है वो भी तेज़ हो जाती है और इसी तरह अगर यू you नो know, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई किसी ऐसी सिचुएशन में आप चले जाए जब ऑक्सीजन बहुत आपको बोताक में मिल जाए तो वहाँ पे आपकी ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है इसीलिए आप में से वो बच्चे जो कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज के बाद भी हमारी ब्रीदिंग जो है वो तेज़ हो जाती है क्योंकि हमें उस वक्त यू नो ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो फिर तेज़ हो जाती है अब ये जो ये ब्रीदिंग जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मैकेनिज्म जो है क्या है उसमें पार्टली एक चीज तो ये है कि जो भी फॉरन मैटर सांस के जरिए अंदर दाखिल होता है सांस के आई मीन राइट नाउ एज आई एम ब्रीदिंग यू नो आई एम टेकिंग इन ऑल दैट इज हेयर बेशुमार चीजें जो है वो अंदर इस वक्त जा रही हैं मेरे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो काम है वो एक काफी एक एक प्रोटेक्टिव एक सा काम है कि वो जो फॉरन मैटर इस वक्त मैं अंदर ले जा रहा हूँ उसको एक खास तौर पे चेक करना है कि वो मेरे लंग्स तक ना पहुंच सके तो ब्रीदिंग जो है इन डैट वे जब हम करते हैं तो हमारी रेस्परेटरी मैकेनिज्म का काम है कि जो कुछ भी हम अंदर ले जाते हैं थ्रू आर आर ब्रीदिंग उसको रास्ते में चेक किया जाए उसको रास्ते में रोक लिया जाए ताकि कोई इन्फेक्शन जो है वो सांस के जरिए से अंदर दाखिल ना हो और लंग्स तक वो बैक्टीरिया जो है वो ना पहुँचे क्योंकि अगर वो लंग्स में दाखिल हो जाता है तो फिर उसके चांसेस ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे बचने के लिए कि इन्फेक्शन अंदर ना जाए दो रिफ्लैक्सिस जो है दो प्रोटेक्टिव रिफ्लैक्स जो है उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा पहली जो रिफ्लैक्स है वह चींक लेने की है स्नीजिंग स्नीजिंग जो है हम कब चींक लेते हैं यू नो जब हमारे कोई नेज़ल पैसेज में कोई चीज़ ऐसी दाखिल हो जाती है यू नो जो कुछ फ़ौरन होती है तो फ़ौर यू नो हमारी ने, नेजल इरिटेट हो जाती है और एकदम से यू नो वी टेक वी वी टेक अ स्नीज और ये जो स्नीज है ये उस चीज को बाहर निकाल देती है तो ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लैक्स है जब फॉरेन कोई चीज़ एंटर हुई तो फौर स्नीज की शक्ल में वो बाहर निकल गई इसी तरह दूसरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो खांसने का है कफिंग जिसे हम कहते हैं और जब इरिटेशन कोई लोअर पोर्शन ऑफ द सिस्टम में होती है तो चीज़ नेजल से ज़्यादा जा, आगे चली जाती है हलक में चली जाती है या आगे और ट्रैवल कर जाती है तो फ़ौर कफ की शक्ल में खांसने की शक्ल में यू नो सिस्टम जो है उसको बाहर निकालता है इसी तरह एक और जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है जिसका जिक्र मैं करना चाहूँगा उसको हम कहते हैं म्यूकोसिलरी एस्केलेटर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म है कि इसकी जो वर्किंग है वो ऐसे है कि जो हमारा ये सांस लेने का ट्रैक्ट है ये जो सारा का सारा ट्रैक्ट है ये इसमें एक म्यूकस एक कह दीजिए कि एक एक ऐसा स्टिकी सा मैटर इसके अंदर ट्रैवल करता है जो चीज़ों को रोक लेता है ट्रैप कर लेता है हर ऐसी चीज को ट्रैप कर लेता है जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है अगर वो अंदर चली जाए तो एयर पैसेजेस जो है जो मुंह में जाती जा रही हैं उनके अंदर भी हमारे टाइनी टाइनी बहुत छोटे से माइक्रोस्कोपिक से बाल टाइप यू नो ग्रोथ है इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी हैं इन, इनको हम मेडिसिन की जुबान में फिजियोलॉजी की ज़ुबान में सिलिया का नाम देते हैं इनका काम भी जो है वो यही है कि फॉरेन पार्टिकल्स जो अगर नाक के रस्ते से अलग के रस्ते से आगे चले गए हैं निकल गए हैं तो उनको वो रोक ले और ये जो जो सिस्टम है ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वर्क करता है कि इनकी जो मूवमेंट है सीलिया की वो ऐसी हैं कि म्यूकस को वो नीचे से ऊपर की तरफ अलग की तरफ ले आते हैं और वो जो म्यूकस है वो जब मुंह तक आ जाता है वर्चुअली और हम उसको जब वो मुँह तक आता है तो फिर वी सॉर्ट ऑफ यू नो स्वॉलो की मूवमेंट जो हमारी है वो दैट टेक्स प्लेस तो ये ये इन दैट वे यू नो इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म जिससे कि बॉडी जो है वो अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट करती है आपको याद होगा एक लेक्चर में अर्लियर एक लेक्चर में मैंने आ, एक बच्चे का जिक्र किया था टॉम जिसका नाम था जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी थी वो भी जो बीमारी थी वो भी बेसिकली इसी रेस्परेटरी सिस्टम की ही बीमारी थी और इन अदर वर्ड्स वट यू नो वट इट वेडी इज़ के रेस्परेटरी सिस्टम जो है वो कुछ ऐसी बीमारियाँ उसकी भी हैं जो कि काफ़ी सीरियस बीमारियाँ कंसिडर की जाती हैं और अगर उनका वक्त पे इलाज ना हो तो इन यू नो दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ पेन एंड एक लॉट ऑफ मिजरी भी ऐसे चीज़ों पर गौर करना चाहेंगे जो आप तबर कर लें समझ लें कि जी रेस्परेटरी सिस्टम की कंडीशन है या डिसऑर्डर्स हैं बीमारियाँ हैं इनमें आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी में भी हम जैसे कह सकते हैं वो निमोनिया है ये जो निमोनिया है इट कैन भी कॉज बाई बरिया और वायरल इन्फेक्शन तो निमोनिया जो है ये दो रीजन से होता है इनवेबली या ये बैक्टीरियल होता है या ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है ये जो बीमारी है ये इसका सबसे बड़ा असर जो होता है वो ब्रोंकिल ट्यूब्स पर पड़ता है वो ब्रोंकिल ट्यूब्स जो हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और उनमें फ्लूड सा भर जाता है आई मीन दे फिल्ड विद फ्लोइड और उसकी वजह से ये जो कंडीशन है ये हाई ग्रेड फीवर भी कॉज करती है और ये यू you नो know, अच्छी खासी सीरियस कंडीशन बन जाती है अब और हमारी जो एयर एक्सचेंज सिस्टम की ब्लॉकिंग भी ये जो चीज़ है ये काज करती है अब मैं एक और रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ का जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम एमफेसीमा है एम्फिसमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एलवियोली की जो वॉल्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाती हैं यूनो रबच हो जाती हैं दे डिस्ट्रॉयड और उसकी वजह से जो लंग्स को स्पेस चाहिए होती है वो महदूद हो जाती है और उसमें एस्टिसिटी जो उसकी है उसमें वो जो नरमी जो चाहिए वो कम हो जाती है और और उसकी वजह से फिर ब्रीदिंग जो है डिफ़िकल्टीज शुरू हो जाती हैं इसी तरह ये मैं ब्रीफली आपको ये स्टेट्स बता रहा हूँ इसी तरह एक और जो कंडीशन है उसका नाम है न्योमोकोनीोसिस ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि लोगों को अक्सर इफ़ेक्ट करती है जो ऐसी जगहों पे काम करते हैं ख़ास तौर पे। जहाँ पे हाई कंसनट्रेशन ऑफ डस्ट हो इसका ताल्लुक ज़्यादातर वर्क प्लेसिस से ही होता है फॉर इंस्टेंस जो माइनर्स हैं कोल माइनर्स जो हैं यू नो डैट्स अ गुड एग्जाम्पल के कोल माइनर्स को अक्सर इस किस्म की प्रॉब्लम आफ्टर यू नो मैनीयर्स ऑफ एक्सपोजर टू द कोल माइन हो जाती है ख़ास तौर पर अगर प्रोटेक्टिव गियर वो यूज़ ना करें और आपने लिपट्रेशन में बल्कि पढ़ा भी होगा और कि इसको हम ब्लैक लंग डिजीज कई दफ़ा कहते हैं तो ये ब्लैक लंग डिजीज क्यों कहते हैं क्योंकि कोल्ड की वजह से लंग्स जो हैं वो काले होने शुरू हो जाते हैं इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि ब्रोंकियल ट्यूब्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं और ब्रीदिंग की जो है डिफ़िकल्टीज कॉज करते हैं इनमें एक बहुत जो कॉमन डिसऑर्डर है जिसका अक्सर हम सुनते रहते हैं वो एस्तमा है तो एस्तमा क्या है एस्तमा में भी यू नो बेसिकली वो जो हमारी ब्रोंकियल एयरवेज है उनकी नैरोइंग डाउन हो जाती है जब उनकी नैरोइंग डाउन होती है वो इनफ्लेम्ड हो जाती हैं उससे फिर जब हम सांस लेते हैं तो कई दफ़ा वो वीजिंग साउंड आनी शुरू हो जाती है और इसमें एक एक दो और भी चीज़ें हो जाती हैं फॉर इंस्टेंस स्पेज़म्स जो हैं यू you नो know, ब्रीदिंग के वक्त स्पेज़म्स शुरू हो जाते हैं और उसके साथ साथ कई दफ़ा अंदर जो म्यूकस होता है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया वो बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में भी सिक्रीट होना शुरू हो जाता है इसमें और उससे भी जो स्पेजम्स हैं वो वो कॉज होते हैं तो ये जो अटैक्स होते हैं एस्थमा के दे आर टेम्प्रेरी अटैक्स बट नवर दी इसमें अगर आप में से कोई हीरोमेटिक है या कोई आपका जानने वाला इस्थमेटिक है तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इसको लाइटली ना लें इसके लिए इनहेलर्स का इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी होता है ताकि एक एक राइट right वे एक इमीडिएट रिलीफ मिल जाए और अगर आपकी अस्थमा जो है वो ज़्यादा किस्म की है तो फिर आई थिंक यू यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर श्योर ताकि इसका प्रॉपर इलाज हो क्योंकि तो कई दफ़ा देखने में ये आया है कि अगर अस्थमा को आ, अटेंड ना किया जाए तो उससे यू you नो know, उससे डेथ्स भी हो सकती है क्योंकि तो समटाइम्स पीपल ये people, जो मैंने स्पेजम की बात की है सांस लेते हुए अगर स्पेजम में स्टेट में आदमी चला जाए तो इट कैन आल्सो बी फेटल सो देरफोर आई मीन ये रेस्पिरेटरी जो कंडीशंस हैं इससे आपको अच्छा एक अंदाज़ा हो गया होगा कि सर्फिस लेवल पर तो कई दफ़ा हमें लगता है कि मामूली कंडीशन है लेकिन अगर इन्हें इग्नोर कर दिया जाए और ये क्रॉनिक हो जाए तो दे कैन फॉज अ वेरी सीरियस कंडीशन ऑल्सो इसी तरह आपने एक और कंडीशन नाम भी सुना होगा जिसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटस कहते हैं ब्रॉन्काइटस हमारे मुल्क में यू you नो know, एक ज़माने में बहुत कॉमन होती आज से थ्री डेकेट जगह हो ब्रकाइटस वॉज अ वेरी कामन कंडीशन थैंक गॉड नाउ ब्रॉन्काइटस जो है वो कम हो गई है लेकिन इसमें भी ब्रोंकाइटस में भी बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रोंकिया की होती है और ये जो कंडीशन है ये कई दफ़ा तो क्रॉनिकली काफ़ी देर तक रहती है और कई दफ़ा ये तकरीबन दो ढाई हफ्ते तक लास्ट करती है और ये एपिसोड दो ढाई हफ्ते का होता है और फिर पेशेंट जो है वो इसमें से निकल आता है इसी तरह आखिर में एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट और कंडीशन है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो लंग कैंसर की कंडीशन है लंग कैंसर का नाम तो आप सबने सुना होगा और लंग कैंसर जो है वो आपको पता ही है कि कैंसर्स में वन ऑफ यूज कैंसर्स जो बड़ा कॉमन होता है तो लंग कैंसर में भी जो है उसमें अनरिस्ट्रेनड किस्म की ग्रोथ जो है सेल्स की जो है वो शुरू हो जाती है और ये जो सेल्स है इनकी क्राउडिंग की वजह से जो रेस्परेशन है जो ब्रीदिंग का मैकेजम है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है तो ये जो है ये ब्रोंकिअल ट्यूब से इन्वेरेबली शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता लंग्स की तरफ स्प्रेड होता है जब भी कोई ब्रोंकिल कंडीशन हो तो इट्स ऑलवेज गुड टू कंसल्ट अ डॉक्टर ताकि चीज़ को शुरू की स्टेज पर पकड़ लिया जाए इससे पहले कि वो चीज़ ज़्यादा सीरियस हो जाए क्योंकि अगर अगर लंग का कैंसर अगर फाइनल स्टेजेस पर पहुंच जाए तो फिर आपको पता ही है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट इट एंड टू कंट्रोल इट एंड वेरेबली ये ब्लड स्ट्रीम में कैंसर जो है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है अब मीन इट्स वन ऑफ दोज फ्यू कैंसर जो जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो बहुत तेजी से फैलता है एंड इनवेबली इट ऑलवेज कॉजेज डेथ और जेन में आप ये रखिए कि ये जो कंडीशन है ये जो लंग कैंसर है ये इनवेबली ज़्यादा ख़राब होता है स्मोकिंग uh, सिगरेट्स की वजह से तो सिगरेट स्मोकिंग जो है ये आई एम श्योर यू मस्ट रियलाइज बाय नाउ कि वर्चुअली किसी न किसी बीमारी के पीछे जो है वो सिगरेट स्मोकिंग जो है उसका कोई ना कोई लिंक और दखल उसका बन जाता है तो अगर आप लोग सिगरेट पीते हैं तो, तो मेरे ख्याल में आप लोग कह रहे होंगे कि सर हमारे आते हैं हर दफ़ा हमें हर दफ़ा ये सुना के चले जाते हैं कि भाई सिगरेट ना पियो तो ये मैं इसलिए आपको नहीं सुनाता कि मुझे कोई आपसे दुश्मन नहीं है बल्कि मैं आपको चीज़ इसलिए बताता हूँ कि दिस इज अ फैक्टर ऑफ लाइफ सो यू शुड नो यू नो व्हेन यू आर मेकिंग अ चॉइस कि ये जो फैक्टर है यू you नो know, ये इज़ अ हाई रिस्क फैक्टर और ये सिगरेट स्मोकिंग जो है ये सिर्फ लंग कैंसर ही कॉज नहीं करती बल्कि आपको याद होगा मैंने पहले भी बताया था और आगे भी लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगा तो इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क फैक्टर एंड इट्स रिलेटेड टू द कार्डियो कंडीशन एज वेल तो कार्डियो सिस्टम को भी हमारी जो सिगरेट स्मोकिंग है बड़ा नेगेटिव इम्पेक्ट उस पर पड़ता है अब मैं अगले बॉडी सिस्टम की बात करनी चाहूँगा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हम दो सिस्टम की बात करेंगे तो दूसरा जो सिस्टम जिसकी मैं बात अब करनी चाहूँगा वो है बेसिकली कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम एज़ यू नो इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल सिस्टम हर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है उसको उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि वो यू you नो know, अपने पूरे सिस्टम को किस तरह चलाता है और किस तरह अपने आप को सर्विस करता है क्योंकि साथ साथ जो तोड़ फोड़ है सेल्स की उसको अटेंड करना अपने वेस्ट को अटेंड करना उनको निकालना और और अपने मेटाबॉलिज्म को क्लीन रखना यू नो ये जो काम है ये जानवरों में और इंसानों में कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम करता है तो जो ब्लड है वो बेसिकली सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू जिनो कैपिलीज के थ्रू आर्टरीज के थ्रू वेन्स के थ्रू तो ये सारा का सारा एक विद इन अ क्लोज सिस्टम है ये सब बंद सिस्टम है एक किस्म का इसमें ब्लड जो है वो डायरेक्टली डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द सेल्स एंड टिश्यूज दैट इट ये एक बड़ी कमाल की चीज है इट डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद विदिश्य हार्ट जो है ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम का एक बड़ा सेंटर है आप ये कह लीजिए दिस इज ए की तो अब हम बात करते हैं हार्ट की हार्ट जो है ये बेसिकली एक फिस्ट साइज का पम्प समझने हैं और बेसिकली इसमें कुछ ये मसल्स का बना हुआ है पंप और आप हैरान होंगे कि ये एक दिन में हंड्रेड थाउजेंड टाइम्स पंप करता है इट्स अमेजिंग कि हमारा जो हार्ट है वो हंड्रेड थाउजेंड टाइम्स अ डे एक पंप्स और इसका जो मस्कुलर पोर्शन है हार्ट का उसको हम टेक्निकली अपनी लैंग्वेज में मायोकार्डियम का नाम देते तो द इंटीरियर जो है हार्ट का उसके चार चैम्बर्स हैं उसके आप को इस वक्त टीवी स्क्रीन पे भी वो चार चैम्बर्स नजर आ रहे होंगे दो अपर चेम्बर्स कहलाते हैं जो अपर चेम्बर्स दो है उनका नाम है एट्रियम। तो अपर चेम्बर्स जो है वो ए है और जो लोअर चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल कहते हैं और जो लेफ्ट एंड राइट साइड्स हैं दे आर लेबल्ड फ्रॉम द बॉडीज पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम आर्स आर बट फ्रॉम द बॉडीज पर्सपेक्टिव। तो इस ड्राइंग को देखते हुए आपको नजर आएगा कि सेवरल ब्लड वेसल जो है वो हार्ट के साथ कनेक्टेड है सो लॉट ऑफ ब्लड वेसल आर कनेक्टेड विद द हार्ट तो सवाल ये उठता है कि हाउ आर आर्टरीज एंड वेन्स डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये इन वॉट वे आर द डिफरेंट आर्टरीज का जो सबसे बड़ा काम है वो ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम दार्ट तो आर्टरीज़ जो आर्टरी वो हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं और जो वेन्स है वो हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करती हैं. तो इन अदर वर्ड्स हार्ट से जो खून आता है वो आर्टरीज के जरिए आता है और हार्ट को जो खून जाता है वो वेन्स के जरिए जाता है आप ड्रॉइंग में यह भी नोटिस करेंगे कि कुछ जो ब्लड वेसल्स हैं वो कुछ शेडिड सी हैं और कुछ जो है वो लाइट है तो जो वेसल्स जो लाइट जिनकी लाइट शेडिंग आपको नज़र आ रही है वो बेसिकली ब्लड को कैरी कर रही हैं जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंपोजिशन है जो वो बहुत ज़्यादा है और जो डार्क वेसल्स हैं वो बेसिकली ब्लड को लंग्स में से लेके जा रही हैं और वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है सो so, जो डार्क डार्क शेडेड जो वेसल्स हैं जहाँ से ब्लड जा रहा है उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और जो लाइटली शेडेड हैं वेसल्स उनमें ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो खून जो है ब्लड जो है ये पहले एंटर करता है राइट ए में और राइट ए से ये गैसेस को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेता हुआ रो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज को लेता हुआ में से और ऐसी और चीज़ों को जिनमें ऑक्सीजन की कमी हो उनको ये लेता हुआ आगे चलता है और जब ये, ये आगे चलता है तो इसकी जो कलराइजेशन है वो कुछ थोड़ी सी बदल जाती है वो ब्लूइश हो जाता है कलर में तो ब्लू जब जो, जो ब्लड है ब्लू ब्लड का मतलब है बेसिकली ऐसा ब्लड जिसमें यू you नो know, बहुत सी गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन की कमी है तो जब एक दफ़ा एटीएम जब फिल हो जाता है ब्लड से तो ब्लड जो है उसका वो फिर उसका जो वेल्व है वो बंद हो जाता है और वो राइट right वेंट्रिकल की तरफ उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है तो वेंट्रिकल जो है इनका जो काम है बेसिक एक किस्म की पंपिंग का काम है ये ये ब्लड को सर्कुलेट करती हैं जो जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेव्स जो है वो ब्लड को आगे एक केम से के, से आगे भेजते हैं और निकालते हैं तो राइट वेंट्रिकल जो है उसमें से ब्लड गुजरता हुआ लंग्स की तरफ जाता है और लंग्स को सर्कुलेट करता है और लंग्स में जब ब्लड पहुंचता है तो वो दोबारा से ऑक्सीजिनेट हो जाता है ऑक्सीजनेशन का मतलब है तो उसको दोबारा से एक किस्म की तकवीत मिलती है और उसका जो खून का जो रंग है वो ऐसा-ऐसा लाल होना शुरू हो जाता है और लाल खून जो है वो सबसे बड़ी निशानी है कि ब्लड में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो मुनासिब है और हेल्दी ब्लड है तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर ट्रेवल करके लेफ्ट ए की तरफ जाता है और फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के तरफ पास ऑन कर दिया जाता है और फिर वोटा के से गुजरते हुए वो सस्टेमिक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है तो ये एक ऐसी साइकिल है आप समझ लीजिए जो यू नो राइट एट्रियम से शुरू होकर राइट वेंट्रिकल की तरफ जाती है फिर राइट right वेंट्रिकल से आगे वो चल चलता है और यू नो लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है और, और फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है तो ये पूरी एक एक साइकिल है जो कम्प्लीट होती है और आप हैरान होंगे कि ये जो पूरी साइकिल है ये एक मिनट इसको लगता है

इट हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्टेड प्रोडक्ट्स किडनीज में उनको वो फिर यू नो यूरिन के ज़रिए से निकालने में मददगार होती हैं साबित होती हैं तो ब्लड जो है वो किडनी को हेल्प करता है कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को यू नो थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन उनको निकालें इसी तरह लिवर जब रिसीव करता है ब्लड तो वह दो सोर्सेज से प्राइमरली रिसीव करता है पहली जो सोर्स है वो उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और जो दूसरी जो सोर्स है उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं तो इस तरह लिवर भी जो है वो ब्लड को आगे लेके चलता है अब सवाल ये उठता है कि जो लीवर है व्हाट इज इट डू टू द ब्लड आई मीन उसका इंपैक्ट ब्लड पे क्या होता है सबसे पहले जो काम लिवर का है वो ये है कि ये खून को मज़ीद क्लिन करता है इट कलज द ब्लड क्लेंजिंग क्यों ज़रूरी है आप पूछना चाहेंगे कलेंजिंग इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो बैक्टीरिया होता है ताकि उस बैक्टीरिया को रिमूव किया जा सके क्योंकि बेशुमार बैक्टीरिया तो पहले ही रिमूव हो हो गया होता है लेकिन अगर कोई भी बैक्टीरिया यू नो छुप के निकल के पहुंच जाए यू नो तो उसको यहाँ पर जो लिवर जो है वो उसको काबू कर लेता है और लिवर में जो कैपेसिटी टू चेक एंड कंट्रोल द बैक्टीरिया जो है वो वो जो तो कमाल की होती है उसमें से बैक्टीरिया का गुजरना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है दूसरा जो फंक्शन जो है लेवर का वो है के वो जो बॉडी जो न्यूट्रेंट्स उसको देती है उससे तक पहुँचते हैं वो न्यूट्रेंट्स को एक किस्म का स्टोर कर लेते तो लिवर जो है उसका यह बड़ा इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है कि वो सब वो चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी को जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है वो उनका एक किस्म का स्टोरेज एरिया बन जाता है वो एक किस्म का आप समझ लीजिए एक स्टोर रूम है बॉडी का जिसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जमा हो जाते हैं तो ये जब हम न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रंट से मेरी मुराद जो है वो बेसिकली आ, सिंपल शुगर हैं या अमीनो एसड्स हैं आई मीन इनकी हर वक्त बॉडी को ज़रूरत होती है तो ये ये इनका अच्छा ख़ासा जखीरा जो है रिजर्व जो है वो अक्सर हमें लिवर में मौजूद मिलता है ना आई वु लाइक टू टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज यू नो वर्ड कॉमनली यूज बाई ऑल ऑफ अस एंड इज ब्लडर ब्लड प्रेशर का लफ्स आई थिंक वी वी आर यूजिंग इट एवरी डे वर्चुअली फॉर वन रीजन और ये ब्लड प्रेशर क्या होता क्या हैस्ट इमेजिन कि आर होल्डिंग अ लॉन्ग बलून वो जो लंबे से गुब्बारे नहीं होते आप ये समझे कि यूर होल्डिंग अ लॉन्ग बलून और इस गुब्बारे को अगर बीच में से आप पकड़ के और यूँ दबाएँ तो उससे क्या होता है कि इधर की उसकी जो लेफ़्ट साइड है वो भी एक्सपेंड कर जाती है यू नो और थोड़ी सी इधर की राइट साइड का भी जो एंड है वो भी एक्सपेंड कर जाता है तो बीच में जब चीज़ को यू नो प्रेस किया जाता है या स्क्वीज किया जाता है तो दोनों साइडों की चीज़ें जो है जो स्पेस यहाँ से जो स्क्वीज की जाती है इट कॉजेज द प्रेशर द एयर टू एक्सपेंड ऑन दी अदर ऑन बोथ द साइड्स तो बिल्कुल यही बात जो है सिमिलरलीट you know, हमारे अपने अंदर भी क्योंकि ये कार्योवेस्कुलर जो सिस्टम है इज अ क्लोज सिस्टम एज यू नो तो अंदर जब अंदर वेन प्रेशर इज अप्प्लाइड यू नो टू अ क्लोज सिस्टम तो उससे फिर वो जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी बॉडी में तो ये जो प्रेशर वाली बात है ये बेसिकली हमारा जो हार्ट है यू you नो know, उसका जो काम है वो जब पम्प वेन इट पम्प्स ब्लड टू दार्ट तो उस, उस प्रोसेस में यू नो पम्पिंग का जो प्रोसेस है वो उसमें वो मसल्स क्वीज होता है और उससे एक ख़ास किस्म का एक इंक्रीज ऑफ प्रेशर भी पैदा होता है तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमारी आर्टरीज हैं इन दे आर ऑफ इलास्टिक इनमें कैपेसिटी है वो बारे की तरह एक्सपैंड होने की और कॉन्ट्रैक्ट होने की तो जब, जब इन जब प्रेशर इन पर पड़ता है तो ये थोड़ी सी एक्सपेंड होती हैं और जब प्रेशर रिलीज़ होता है तो ये अपनी पोजिशन में वापस आ जाती है तो ये जो ब्लड प्रेशर जो है ये बेसिकली इज द प्रेशर विच इज एग्जिस्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द दर्टरीज तो ये आर्टरी वॉल्स पे जो प्रेशर पड़ता है उसको हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर का तो हार्ट का जो काम है वो बेसिकली जो है वो प्रेशर को कि उसकी जो मूवमेंट है जो माओकार्डियल जो कंट्रैक्शन है उसका काम है प्रेशर को यू you नो know, बढ़ाना और कम करना वो पंपिंग की जो मूवमेंट है उससे प्रेशर बढ़ता है और कम होता है जब हार्ट रेस्ट करता है और रेस्ट कब करता है जब उस वो उसमें ब्लड फिल हो रहा होता है तो उस वक्त उसको जब उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है और जब स्लो मूवमेंट होती है तो हम फिर जो उस प्रेशर जो होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर और जब हमारा जो हार्ट है जब उसकी कंट्रेक्शन जो है वो घटती है और प्रेशर ज्यादा कॉज कर रहा होता है आर्टरी आर्टरीज की वॉल पे तो उस उस वक्त जो प्रेशर पैदा होता है उसको हम नाम देते हैं सिस्टोलिक प्रेशर का सो देव फोर प्रेशर जो है ये दो किस्म के हैं डायस्टोलिक और सिस्टोलिक तो ये जो अक्सर उकात आपने देखा होगा कि हम कहते हैं जी ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर यू you नो know, या या वो प्रेशर जो जो ज्यादा नंबर्स में आता है 120 या 30 या 40, यू you नो know, वो सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है और वो प्रेशर जो कम नंबर साइड पे है 80, 90, यू you नो know, 70, 75 उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर का नाम देते हैं अक्सर उकात अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उससे पूछेंगे कि, कि डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है तो वो आपको कहेगा जी एक ऊपर का आ, और 80 नीचे का तो ये ये बेसिकली एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है कंसिडर किया जाता है वैसे ब्लड प्रेशर जो है ये हर शख्स में फ़र्क होता है यू नो इज़ नाट द सेम इन एवरीबडी और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जेन में रखनी कि हर इंसान का ब्लड प्रेशर डिफरेंट होता है और ब्लड प्रेशर का ताल्लुक एज से भी है तो इन अदर वर्ड्स मुख्त ऐज़ में जो नॉर्म है जो नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो भी बेरी कर जाता है फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल उठता है कि व्हाट डिटरमिन्स ब्लड प्रेशर यू नो व्हाट इज इट दैट डिटरमिन्स ब्लड प्रेशर दो चीज़ें जो हैं वो आई थिंक मेंशन करनी जरूरी है दो मुख्य फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को डिटरमिन करते हैं पहला जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फ्लूए फ्लूएड डाइनामिक्स और जो दूसरा जो फैक्टर है वो बेसिकली एन्वामेंटल फैक्टर उसका आप कह सकते हैं तो पहली अप्रोच जो है विच इज बेसिकली लॉ ऑफ फ्लूएड डायनामिक्स उसमें पाँच एस्पेक्ट उसके जो हैं उनका मैं जिक्र इस वक्त करना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है उसके हवाले से पहला जो एस्पेक्ट है वो है कार्डिय आउटपुट का तो कार्डियउटपुट से मेरी उद है यू नो कि जो ब्लड है वो हार्ट जो है वो पर मिनट कितना पम्प कर रहा है दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स के आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा इसी तरह सेकेंड एक जो फैक्टर है वो है ब्लड की टोटल वॉल्यूम आपका जो पूरे सिस्टम में जो ब्लड की वॉलीम है वो कितनी है अगर आपकी वॉल्यूम बढ़ जाए सिस्टम में ब्लड की तो देन ऑब्वियसली हायर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू डीलैट इसी तरह जो तीसरा जो एलिमेंट है वो रिफरल रेजिस्टेंस का एलिमेंट कहलाता है मुराद है कि इट रिफर्स टू द डिफिकल्टी दैट द फ्लू नो एनकाउंटर इन पासिंग थ्रू नैरो जब कोई पतली आर्टरी आ जाए या ट्यूब आ जाए तो फिर जो डिफिकल्टी जो होती है उसको यू नो दैट अनदर फैक्टर जिससे ब्लड प्रेशर कई दफ़ा ज़्यादा हो जाता है इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूँगा कि जिस तरह अगर आम घर के नलके के साथ आप एक रबड़ की ट्यूब लगा दें और उसको वैसे खोल दें पूरा तो उसका अगर उसका जो थ्रो है वो हो सकता है दो फुट तक जाए लेकिन अगर आप उंगली से उसकी ओपनिंग को आधा कर दें या वैसे प्रेस करके आधा कर दें तो उसकी जो थ्रो है पानी की वो दस फुट तक हो जाएगी एंड वी नॉर्मली यूरो यू नो दो फोर्ड ऑफ गार्डनिंग यू नो हू दैट तो इसी तरह बिल्कुल बॉडी में भी अगर कोई ओपनिंग या नैरोउन हो जाए तो फिर वहाँ पर जो प्रेशर है ब्लड का वो ज़्यादा हो जाता है और, और, और ये जो चीज़ है क्योंकि आर्टरीज के डायामीटर भी जो है वो भी आपको पता है कि वेरी करते हैं तो इससे भी जो ब्लड प्रेशर है यू you नो know, वो भी इट इट कैन इफेक्ट द ब्लड प्रेशर इज़ वेल इसी तरह देखने में ये आया है कि खाने के बाद फॉर इंस्टेंस हमने देखा है कि अक्सर अवकात एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो रिक्वायर होता है खाने को हज़म करने के लिए तो ये जो ब्लड एक्स्ट्रा की जो रिक्वायरमेंट है ये पूरी होती है स्मॉल इंटस्टाइन से तो इस वक्त भी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जब वो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा ब्लड की जब उसे ज़रूरत पड़ती है तो उसकी जो जो आर्टरीज़ होती हैं जिनको हम आर्टियोरो कहते हैं वो खुल जाती हैं वो एक्सपेंड कर जाती हैं ताकि ज़्यादा ब्लड सप्लाई मुमकिन हो सके तो इस जंक्चर पे भी जो ब्लड प्रेशर जो है वो इफ़ेक्ट होता है इसी तरह हमने ये देखा है कि इलेस्टिसटी जो है हमारी आर्टरीज़ की वो भी जो है अगर वो कम हो जाए तो उससे भी फिर जो ब्लड प्रेशर जो है वो अक्सर बढ़ जाता है और इसलिए देखने में ये आया है कि एज वी ग्रो ओल्ड तो ओल्ड एज में भी हमारी जब आर्ट जो हमारी जो ब्लड वेसल जो हैं और आर्ट्री जो है जब वो सख्त हो जाती हैं उनकी इलेस्टिस कम हो जाती है तो उससे भी ब्लड प्रेशर जो हमारा है वो कुछ बढ़ जाता है सिमिलरली पाँचवा जो फैक्टर जो आता है वो विस्का विस्कासिटी जो है उससे रिलेटेड होता है विस्कासिटी इज बेसिकली थिकनेस ऑफ द फ्लूड और ऑफ़ द ब्लड तो जो फ्लूड की थिकनेस जो है जब जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही पंप को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको पुश करने के लिए तो इस डैट आल्सो अगर ब्लड की विस्कोसिटी जो है एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए इसलिए फिर अक्सर वकात कहा जाता है कि जी ब्लड थिनर्स यूज़ करें वो ब्लड थिनर्स क्यों यूज़ कराए जाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल हो जाए और आपके हार्ट को ज़्यादा काम न करना पड़े जिससे उसका वेर एंड टेयर ज़्यादा ना हो जाए तो ये तो बेसिकली फ्लू डायनेमिक से रिलेटेड पांच फैक्टर्स थे अब कुछ मैं ऐसे फैक्टर्स की भी बात करना चाहूँगा जिनका हमारी ज़िंदगी से या हमारे लाइफस्टाइल से ताल्लुक है और ये वो फैक्टर्स हैं जो एवरीडे लाइफ में हमारे वी एक्सपीरियंस और इससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो किसी हद तक इफ़ेक्ट होता है इसमें पहला जो फैक्टर है वो टैंपरेचर का फैक्टर है कि हमारे इन्वायरमेंट की जो टेंपरेचर है वो क्या है जब व्हेन द टेंपरेचर इज़ हाई तो उसमें ब्लड वेसल्स हमारे जो होते हैं और और हमारी जो स्किन जो है वो एनलार्ज होती है और हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है तो जेन में आप ये रखें कि जब टेंपरेचर हाई होती है तो हमारे ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं हमारी स्किन इन हो जाती है और हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और जब ये सब चीज़ें ये बढ़ती हैं तो हमारा जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो फॉल करता है तो इन वर्ड्स ज़्यादा गर्मी जो है उससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल करता है और अक्सर आपने देखा होगा ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में कि जब आप अंगीठी के आगे या हीटर के आगे या इन चूल्हे के आगे बैठते हैं तो आपको गनूदगी सी आनी शुरू हो जाती है इसी तरह आप में से वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं आपने ये देखा होगा कि सर्दियों में जब आप हीटर बहुत ज़्यादा हाई ऑन कर देते हैं अपनी कार का तो आप थोड़ा सा डोजी से फील करना शुरू कर देते हैं यू नो आपको नींद सी आनी शुरू हो जाती है और अक्सर अकात फिर कई दफ़ा आप शीशे थोड़ा सा खोलते होंगे कि ठंडी हवा अंदर आए और आप सो ना जाए ड्राइव करते हुए ये इसी है इसी तरह अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाए तो बिल्कुल एक ऑपोजिट सा जो रिएक्शन है वो सेट इन हो जाता है उससे मेरी मुराद ये है कि जब टैंपरेचर लो होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक प्रेशर जो हमारा है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है इसकी एक और मिसाल जो है वो ये है कि फॉर इंस्टेंस जब हम एक्सरसाइज करके आते हैं तो एक्सरसाइज के बाद हमारा अक्सर अवकात एक्सरसाइज के दौरान हमारा ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो हाई होता है और जब हम उस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं तो आहस्ता आहिस्ता वो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है इसी तरह देखने में ये भी आता है कि हमारी बॉडी की पोजिशन जो है जो पॉस्चर जो है उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है इफ़ेक्ट होता है फॉर इंस्टेंस अगर हम एकदम से अपना पॉस्चर बदलें खड़े होके हम बैठते हैं तो उस पोजिशन के चेंज होने से भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा पाँच डिग्री इनवेबली उसमें फ़र्क पड़ता है तो ये वो कंडीशंस हैं जिनका ताल्लुक जो है यू you नो know, हमारे अपने लाइफस्टाइल से और हमारे अपने इन्वामेंट से और हमारी अपनी एक्टिविटीज से होता है इसी तरह इस जंक्शन पे मैं एक और तीसरा फैक्टर भी आइडेंटिफाई करना चाहूँगा जिसको हम लेटर ऑन अपने इस कोर्स में काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे और वो है फैक्टर जिस, जिसका ताल्लुक़ है इमोशनल एक्सपीरियंस से हमारे जज्बात से यू नो वट वट इज़ इट दैट वी आर गोइंग थ्रू इन टर्म्स ऑफ आवर इमोशन एंड फीलिंग इसमें यू नो स्ट्रेस का टेंशन का बड़ा करीबी ताल्लुक है इससे इसी तरह यू नो गुस्से का और एंगजाइटी का भी एक बड़ा नज़दीकी ताल्लुक है हमारे सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से सो so, ये जो इमोशनल कॉजेज हैं ये भी हमारे ब्लड प्रेसर में कमी बेशी जो है इन, इनसे भी वाकई होती है हाई ब्लड प्रेशर जो है ट्रेन दार्ट एंड द आर्ट्रीज और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ जो है ये कंसिस्टेंटली जब वो अ पीरियड ऑफ टाइम यू नो इफेक्ट करती रहती है तो फिर उनको हम कहते हैं कि भाई ही इज़ सफरिंग फ्राम हाइपर टेंशन तो सवाल ये उठता होगा आपके जहन में कि जी कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए वट शुड बी कंसिडर अ हाई ब्लड प्रेशर तो उसमें एक मोटी सी मिसाल उसकी यही है जो दी जाती है नॉर्मली कि अगर आपका ब्लड प्रेशर जो ऊपर का है विच इज़ सिस्टोलिक अगर वो 140 हो जाए तो या उससे ज़्यादा हो जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये ज़्यादा है और इसी तरह अगर नीचे का प्रेशर जो है आपका नब्बे से ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि डाइस्टॉलिक प्रेशर भी आपका जो है वो ज़्यादा हो गया है तो आपको हाइपरटेंशन हो गई है और अगर आपका सिस्टोलिक जो कि ऊपर का प्रेशर है अगर वो 200 सौ रहना शुरू हो जाए तो फिर वो ख़तरे की बात तस्वर की जाती है क्योंकि 200 का प्रेशर अगर ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम रहे तो डर होता है कि कोई भी ब्लड प्रेसर हमारी रक्चर हो सकती है और यू नो डेट कैन कॉज लॉट ऑफ सीज डेमेज तो आई मीन डेट इज़ वन वेट अ स्ट्रोक का फ्राम देट पॉइंट ऑफ व्यू हाई डिस्टोलिक प्रेशर जो है कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और देखने में ये आया है कि जू जूं यू नो वी गेट ओल्डर इन एज हमारा वज़न भी कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है और जू जू वज़न बढ़ता है तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाता है और, और अगर हमारा लाइफ स्टाइल बड़ा हेल्दी हो और एक्सरसाइज हम करते रहें और बड़े एक्टिव रहें तो फिर हो सकता है हमारा वज़न ना बढ़े तो अगर वजन ना बढ़े तो फिर हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है तो ये कुछ वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स थे यू you नो know, जिनका ताल्लुक पहले मैंने बताया कि हमारे यू नो डायनेमिक्स से कुछ का ताल्लुक था पांच का और इनका ताल्लुक जो था वो हमारे ह्यूमन फैक्टर्स से था तो इसके साथ मैं आज का जो लेक्चर है उसको एंड करूँगा और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फिर इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे तब तक के लिए खुदा हाँ।